सोशल मीडिया पर बयान का वीडियो वायरल हुआ तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गाजियाबाद के डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद ने विवादित बोल से हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने रावण और उसके भाइयों की तारीफ करते हुए पैगंबर मोहम्मद साहब और कुरान को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। ये बयान 29 सितंबर को आयोजित एक कार्यक्रम में दिया गया जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो मुस्लिम समाज भड़क उठा। जुमे से एक दिन कई जगह यति नरसिंहानंद के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद गाजियाबाद पुलिस ने सिहानी गेट थाने में उनके खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने का केस दर्ज कर लिया है। महाराष्ट्र के मुंब्रा में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा था, किस बात को लेकर विवाद बढ़ गया। अब तो ऐसे ऐसे अपराधी पैदा हो गए हैं जिनके सामने रावण का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आज जलाना है, मैं सारे हिंदुओं का इस मंच से आह्वान करना चाहता हूं, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर तो को जलाइए। किसी को जला देखो, हमारी लाखों करोड़ों बहन बेटियों का बलात्कार जिस व्यक्ति के कारण हुआ वो है पूरी दुनिया में जो खून खराबा हो रहा है, जिसके कारण खून खराबा हो रहा है, अगर जलाना है जलाने शुरू करो। अब तो ऐसे ऐसे महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हुए, उनको गिरफ्तार कर कड़ी सजा देने की मांग की गई। बयान आपने सुना और बयान किस तरह का है कि बयान हम आपको पूरा सुनवा नहीं सकते। अब ये दो तस्वीरें देखिए और इसके जरिए अंदाजा लगाइए कि किस तरह से विरोध किया जा रहा है इस बयान को लेकर और यति नरसिंहानंद का। मेरठ, जहां पर आप देख सकते हैं यति नरसिंहानंद के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, शिकायत दर्ज वहां पर की गई। टोंक में भी इसी तरह के हालात, इसी तरह की स्थितियाँ जो है वो नजर आई और एक तरह से कह सकते हैं कि मुस्लिम समाज में इस बयान को लेकर नाराजगी है, गुस्सा है, कार्रवाई की मांग की जा रही है, सजा देने की मांग की जा रही है। इस मामले को लेकर पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है मुंब्रा में।